अब इस पे सवाल नंबर 13 देखिए, 12 तक हमने देख लिए थे। सवाल नंबर 13 कह रहा है, यदि बिंदुओं 3K और K5 से, कोई बिंदु जैसे A, 3K, बिंदु B है K5 से बिंदु 0-2 की बराबर दूरी है, अर्थात की कोई बिंदु और P जैसे 0-2, अर्थात की ये बिंदु A से P की दूरी और B से P की दूरी, दोनों दूरियां क्या है, बराबर है, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, K का मान। ये हम ऐसा पहले सवाल कर चुके हैं, जैसे यहां पर देखिए AP बराबर BP, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, ये जैसे X1 Y1, ये क्या है जैसे X2 Y2, ठीक है, या जैसे कि इसको X1 Y1 मानो तो इसको X2 Y2 मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अभी AP स्क्वायर जैसे लिख देंगे, इसमें X2 कितना है 0 माइनस X1 कितना है 3 स्क्वायर प्लस Y2 कितना है 2 माइनस K का स्क्वायर, ठीक है, ये काम हो गया। फिर इसमें देखिए, अब ये X1 Y1, तो ये क्या X2 Y2, ठीक है। अब यहां पर देखिए बीपी का मान क्या करना है, तो X2 कितना है 0 माइनस के इसका स्क्वायर प्लस ये कितना है Y2 कितना है 2 माइनस Y1 कितना है 5 इसका स्क्वायर, माइनस 3 में से 0 गया तो कितना रहा माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस के का स्क्वायर गुणा करे 2 दूनी 4, 2 का गुणा माइनस के से किया 2K, उसका सूत्र वाले दूसरे किया तो माइनस का 4K प्लस के का गुणा कैसे किया तो के स्क्वायर 0 माइनस के, तो कितना रहेगा माइनस के का क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस माइनस 5 पे 2 गया तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब ये सबको इधर ले आओ, जैसे ये -4K प्लस K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इधर आके -K स्क्वायर, 9 का 9 प्लस का 2 इधर आके -9 प्लस का ये 4 इधर आके -4 इधर कर दिया, ठीक है। अब K स्क्वायर से K स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, -4K बराबर 9 से 9 कट गया, सिर्फ इतना रहा -4, माइनस से माइनस K बराबर 4/4, तो K का मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसके बाद जो सवाल है, देखिए अच्छा सवाल है, आपने करने की कोशिश भी नहीं की होगी, पलट कर इसकी तरफ देखा भी नहीं होगा, ऐसे सवाल को कौन देखे, इतने मूर्ख तो नहीं हम। पी और क्यू के निर्देशांक क्रमशः, एक पी है, पी का निर्देशांक कितना है ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ये किसके निर्देशांक है, पी के, और क्यू के निर्देशांक है ए कॉस थीटा, सॉरी माइनस ए साइन थीटा, बी कॉस थीटा, ये दो निर्देशांक है। तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओपी स्क्वायर बराबर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो मूल बिंदु है, ओ क्या है मूल बिंदु है, एक तीसरा भी है ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु में एक्स और वाई के मान कितने होते हैं 0, ये क्या है मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का मान कितना होता है हमेशा 0, जो एक्स और वाई जो मिलती है जहां पर, तो एक्स का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी क्या होता है 0 होता है। तो सवाल ये क्या करना है, ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सबसे पहले हम क्या क्या करें, ओपी स्क्वायर, देखिए ओ का मान कितना है ए कॉस थीटा, इसके बिंदु ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा और
सॉरी पी का मान, ओ के मान तो कितना है जीरो और जीरो, और पी का मान क्या है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अभी आपको क्या चाहिए ओपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर का सूत्र क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। इधर स्क्वायर कर दिया इसलिए ऊपर से अंडर रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। चलो ओपी स्क्वायर बराबर एक्स टू का मान कितना है ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, एक्स टू का मान कितना है ए कॉस थीटा माइनस एक्स वन का मान कितना है जीरो स्क्वायर, वाई टू का मान बी साइन थीटा माइनस वाई वन का मान जीरो इसका स्क्वायर। ओपी स्क्वायर बराबर ए कॉस थीटा में जीरो घटाए ए कॉस थीटा ही देगा, इसका ए कॉस थीटा से गुणा कर दीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा में से जीरो घटाइए बी साइन थीटा उसका होल स्क्वायर कर दीजिए बी स्क्वायर साइन थीटा। यहां देखिए बी स्क्वायर साइन थीटा ये क्या आ गया ओपी स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार क्या निकालिए ओक्यू स्क्वायर, ओक्यू स्क्वायर का भी सूत्र क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर ये सूत्र हो जाएगा। अब क्या निकालना है ओक्यू स्क्वायर, अब दूसरा निकालना है ओ क्यू, ओ का मान मूल बिंदु इसके क्या होगा जीरो जीरो, क्यू का मान यहां पर दिखता है माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा ठीक है। अब ओ क्यू स्क्वायर याद करना है ओ क्यू स्क्वायर बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर ठीक है। अब यहां पर ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, अब यहां पर ओ क्यू स्क्वायर एक्स टू का मान कितना है माइनस ए साइन थीटा माइनस एक्स वन का मान जीरो स्क्वायर, वाई टू का मान बी कॉस थीटा माइनस वाई वन का मान जीरो स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ओ क्यू स्क्वायर बराबर माइनस ए साइन थीटा में जीरो गया तो जीरो इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस इसमें से ये गया जीरो इसका भी स्क्वायर करो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ओपी स्क्वायर भी आ गया और ओ क्यू स्क्वायर भी आ गया तो क्या करेंगे इसे जोड़ो जैसे कह रहा है वो जो उठता आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रश्नानुसार ओपी स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर बराबर ओपी का मान कितना है लिख दो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ओक्यू का मान कितना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख दिया। सजाती देखो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कहां पर है ये दोनों को पास में ले आओ जैसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर इसको ए वाले को पास में ले आओ, इसी प्रकार स्क्वायर इसको पास में ले आओ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों में कॉमन क्या है ए स्क्वायर तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इनमें कॉमन क्या है बी स्क्वायर तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने बताया कि इसका मान कितना होता है एक, एक का गुणा ए स्क्वायर से किया तो ए स्क्वायर इसका मान एक, एक का इसका गुणा किया तो बी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर ओपी स्क्वायर बराबर कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर। देखिए ये सवाल करने की कोशिश करते तो हो भी जाता पर आप में से मोस्ट ऑफ अरे यार ये आया दिमाग में नहीं होगा
मुझे पता है कि यदि सवाल किया ये इसे से कह रहा है तो अपन चलो करते हैं, करते तो बहुत इजीली हो भी जाता है। इसलिए कोई भी नया सवाल वो हर कोई भी नया सवाल वैसा ही होगा जो पिछला सवाल था, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे आप देखते हो मैं कर रहा हूँ, हर बार नए सवाल आ रहे हैं, अपन बहुत इजीली कर रहे हैं उससे। अब आगे देखिए सवाल नंबर 15, अब सवाल नंबर 15 देखिए। यदि एक समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष, तो समबाहु त्रिभुज इसकी की तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज जैसे ए बी सी कोई दो शीर्ष दे रखे जैसे 0 0 और 3√3 दे रखे हैं, तो इसका क्या ज्ञात करना है, तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है, अर्थात कि इस शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है, तीनों भुजाएं जैसे इसका मान लिया हमने x और y, क्या मान लिया x और y, इसका मान लिया हमने, यहां पर देखिए ये हाँ यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा आंशिक परिवर्तन किया है, ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है, ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अर्थात की इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो हम पहले तीनों भुजाएं इसकी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये ए बी मैं सूत्र नहीं लिखूंगा क्योंकि सवाल लंबा जाएगा, ये x1 y1 x2 और y2, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 0, इसका स्क्वायर y2 कितना है √3 माइनस y1 कितना है 0, इसका भी स्क्वायर ab बराबर 3 में 0 घटा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 किया 9, √3 में 0 घटा है तो √3 का स्क्वायर 3, तो प्लस का ये 3, ठीक है, तो ab बराबर कितना आ गया √12, ठीक है। अब ab के बाद bc क्या ज्ञात करना है, bc ये ab, अब क्या ज्ञात करना है bc, तो ये x1 y1 ये x2 y2, ठीक है, या x2 कितना है x माइनस x1 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 का स्क्वायर √3 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करो bc बराबर x माइनस 3 का x माइनस 3 से गुणा करो x स्क्वायर x से गुणा माइनस 3 से गया माइनस 3x, इसका 2 से गुणा किया तो माइनस का 6x प्लस 3 किया 9, y का गुणा किया तो y स्क्वायर माइनस y का √3 से गुणा किया √3y, इसका सूत्र वाले दोस्तों किया 2√3y प्लस माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है, bc बराबर यहाँ देखिए x स्क्वायर ये लिख दीजिए, क्योंकि आप मुझे x स्क्वायर y स्क्वायर इसके पास में लिख रहा हूँ, y स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 2√3y प्लस यहाँ माइनस 6x है और यहाँ 9 है, 9 की कितना हो गया 12, ये किसका माना गया bc का। अब इसी प्रकार क्या ज्ञात कीजिए, सी है √ca, ये c बिंदु ca, तो ये x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, कम से चल रहे, ठीक है, ca का इसलिए c बिंदु पहले लिखा है मैंने, अब ca तो x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है x स्क्वायर, y2 कितना है 0 y2 माइनस y1 y स्क्वायर, सी ए बराबर माइनस 0 में से माइनस x किया माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 0 माइनस y, तो y इसका भी क्या हो जाएगा y स्क्वायर, तो ए बी भी निकाल दिया, बी सी भी निकाल दिया और सी ए भी आ गया। हम जानते हैं
एबी बराबर बीसी बराबर सीए। एबी बराबर बीसी बराबर कितना आ जाएगा? सीए। तो पहले एबी और बीसी का कंपेयर करें। ये एबी बराबर, एबी बराबर बीसी, ठीक है। एबी, एबी कितना है? अंडर रूट 12। ये अंडर रूट 12। बीसी कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3y प्लस कितना है? 12। ये आ गया, क्योंकि पीसी इसका मान क्या है? बराबर। अब अपन एक काम करें, दोनों तरफ इसके ऊपर अंडर रूट है, दोनों तरफ वर्क करने पर, क्योंकि दोनों तरफ वर्क करने पर अंडर रूट दोनों तरफ क्या हो जाएगा? हट जाएगा। मैं इसको पूरे को इधर लिखूं, इसको इधर लिखूं, कोई तकलीफ तो नहीं? गणित में ये तकलीफें काम ही नहीं आती, ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3 वाई प्लस 12 बराबर, इसका भी वर्गमूल हट जाएगा, क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। अब दोनों तरफ 12 से 12 क्या हो जाएगा? वैसे भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पर इसे काटे नहीं काटे वो अलग बातें, अभी कुछ नहीं करते, इसको छेड़खानी नहीं करते। ये क्या आ गया? समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? ये एक हो जाएगा, थोड़ा मान रखने के लिए काम आएगा। अब इसी प्रकार आप करेंगे एबी बराबर एसी। पहले एबी बराबर बीसी, अब एबी बराबर एबी बराबर एसी, एबी बराबर एसी। एबी का मान कितना है? अंडर रूट 12। एसी का मान कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चाहे तो इधर दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट लिखा हुआ है दोनों। अब अपन अब इसके भी क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा? इधर भी अंडर रूट हट जाएगा, इधर भी अंडर रूट हट जाएगा, क्या राम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। ये क्या आ गया? समीकरण नंबर 2। अब बताओ इन दोनों समीकरणों को देखने पर आपके दिमाग में कोई प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए एबी बराबर बीसी कर दिया, एबी बराबर एसी कर दिया, एक और एक है बीसी बराबर एसी, बीसी बराबर एसी। बीसी का मान कितना है? ये रहा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3 वाई प्लस 12 बराबर। एसी का मान कितना है? सी ए या को एसी को क्या है माने? ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी क्या करो? वर्ग कर दो। इसका भी क्या करो? दोनों तरफ वर्ग कर दो तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 अंडर रूट 3 वाई प्लस 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दिमाग में कुछ आ रहा है? अब देखिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, सवाल को यहाँ तक पूरा देख लो, मुझे मिटाना ही पड़ेगा। क्या देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो सकते हैं? कर सकते हैं, इन्हें लिखता ही नहीं, दोनों तरफ से क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। ये यहाँ क्या बचा? माइनस का 6x माइनस का 2 अंडर रूट 3 वाई 12 को इधर क्या कर दो? माइनस का 12, ठीक है। इनमें कॉमन क्या है? इसमें एक तो कॉमन निकाल दो, माइनस 2, 2 का भाग 6 में 2, 3x माइनस अंडर रूट 3 वाई बराबर माइनस 12। तो माइनस 2 को इसके नीचे ले आओ, 3x माइनस अंडर रूट 3 वाई माइनस 12 बटा माइनस 2, इससे ही कट जाएगा बराबर, कितना आ गया? 6, ठीक है। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3, 3x माइनस अंडर रूट 3y। अब मुझे ये बताओ आप लोग, किस समीकरण की तुलना करने से x और y का मान आ सकता है? हाँ, अब यहां पर देखिए समीकरण नंबर, यह इसका मान दे रखा है,
उसको ला रहा हूं मैं इधर लिख रहा हूं ठीक है ना, ये कितना है 3x माइनस अंडर रूट 3y बराबर कितना है 6। अब इस अंडर रूट 3y को मैंने इधर भेज दिया, 3x बराबर 6 माइनस का अंडर रूट 3 इधर आके प्लस का अंडर रूट 3y, एक्स बराबर 6 प्लस अंडर रूट 3y अपॉन 3 के नीचे आ जाएगा, x का मान कितना है 6 प्लस अंडर रूट 3y अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे कि x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण नंबर दो कौन सा है ये रहा बिंदु यहां पर, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 12, या x का मान कितना है 6 प्लस अंडर रूट 3y, तो x की जगह क्या लिख सकते हो 6 प्लस अंडर रूट 3y अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना आ गया 12। देखो इस सवाल में सब्र की सीमा टूटनी नहीं चाहिए, देरी टूटना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात है देरी टूट गया तो सवाल आपसे होगा नहीं, ये बिना देरी के गणित के सभी नियमों का पालन करते हुए करोगे तो सवाल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा भी भरेगा इधर भी जाऊंगा मैं अभी ठीक है ना। अब ये 6 प्लस अंडर रूट 3 बटा वाई इसका स्क्वायर है, तो 6 प्लस अंडर रूट 3y का 6 प्लस अंडर रूट 3y से क्या करना है गुणा करना है 17 36, 6 का गुणा अंडर रूट 3 से करो 6 अंडर रूट 3 उसका सूत्र वाले 2 से करो 12 अंडर रूट 3y अंडर रूट 3y का अंडर रूट 3y से गुणा करो कितना हो जाएगा 3y अपॉन 3 का 9 प्लस ये वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12। इन दोनों का लघुत्तम निकालो 9 और 1 का लघुत्तम 9, 9 का भाग 9 में जो 1 का गुणा इससे किया तो 36 प्लस 12 अंडर रूट 3y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1 का भाग 9 में दिया 9, 9 का गुणा वाई से किया तो 9y स्क्वायर बराबर कितना आ गया ये 12 ठीक है। अब यहाँ पर जो संख्या संख्या देख लीजिए, सबसे पहले 9y स्क्वायर और 3y स्क्वायर को जोड़ लो कितना आ गया 12y स्क्वायर प्लस 12 अंडर रूट 3y और ये सिर्फ कितना है 36, तो प्लस का 36 अपॉन कितना ये 9 आ गया। इन सब में कुछ कॉमन निकल रहा है 12, इनमें क्या कॉमन है 12 कॉमन निकाल दो, 12 कॉमन निकाल दो, ऐसा 3 कॉमन निकालो कितना, क्योंकि 3 से ही कर सकता है 3 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बच गया 4y स्क्वायर प्लस 3 चौक बारह 4 अंडर रूट 3y प्लस 12 अपॉन 9 बराबर इधर कितना है 12 3 किया 9। अब ये 4y स्क्वायर का 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4y इसका गुणा इससे कर रहा हूं तो आ जाएगा 3y प्लस 12 बराबर 3 का गुणा 12 से करो बांट दिया कितना आ गया 36। अब आगे देखिए ये हाँ ये देखिए अब ये आ गया ठीक है ना, इधर कितना ये 3 का गुणा इससे क्या कितना आ गया बार किया 36। अब यहां पर देखिए इनमें अब कॉमन निकाल दो और कॉमन कितना निकल सकता है 4 कॉमन निकाल दिया तो y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3y प्लस 4 किया 12 3 बराबर इधर कितना है 12, तो 4 इसके नीचे ले जाके पटक दो y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3y प्लस 3 तो 4 का भाग 12 में दे दो कितना आ जाएगा 3 ठीक है, 3 को इधर ले आओ y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3y प्लस 3 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 0। पर कहीं कहीं कुछ यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ पर प्लस था जिसकी जगह सब जगह ये माइनस माइनस जहां पर अंडर रूट वाली संख्या है वो माइनस कर दी मैंने ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए 4 कॉमन निकाला यहाँ पर 36 था ये गलती कर दी, 40 के नीचे चला जाएगा 36 में 4 का भाग दो कितना आ जाएगा 9, इस 9 को इधर ले आए माइनस 2 तो वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 वाई माइनस 6 बराबर ये। अब ये कौन सा समय कौन सा बन गया गुणनखंड, ये
त्रिगा, कौन से वाला, टुकड़े करने वाला, इसके कोई भी टुकड़े करो गुणा करने पर छह आ जाए। पाई स्क्वायर माइनस दो अंडर रूट तीन वाई माइनस एक टुकड़ा इसका और होगा अंडर रूट तीन वाई, अंडर रूट तीन वाई माइनस छह बराबर जीरो। क्या ये टुकड़े सही है? ये सही नहीं, एक प्लस होगा, ये क्या होगा प्लस, ये भी एक्चुअल में क्या है माइनस है, क्या ही माइनस दो अंडर रूट तीन वाई में से अंडर रूट तीन वाई घटा तो माइनस अंडर रूट तीन वाई आ जाएगा, इसका इसका गुणा कर दो, अंडर रूट तीन का गुणा अंडर रूट तीन से क्या तीन, तीन दूनी छह, ये आ गया। इन दोनों में कॉमन निकालो, वाई कॉमन निकाला तो ये वाई माइनस दो अंडर रूट तीन, इसमें कॉमन निकालो क्या कॉमन निकलेगा अंडर रूट तीन कॉमन निकलेगा, इससे ये कटाती वाई और इस अंडर रूट तीन में इसका भाग दे दो तो आ जाएगा दो अंडर रूट तीन, कितना बराबर कितना है जीरो, ये कॉमन इसे बाहर निकाल दीजिए, वाई माइनस दो अंडर रूट तीन मैंने चालू किया था वाई प्लस अंडर रूट तीन बराबर कितना है जीरो। अब इसके या तो इसका मान जीरो या इसका मान जीरो है, तो यहाँ वाई माइनस दो अंडर रूट तीन बराबर जीरो, तो वाई का मान कितना जाएगा दो अंडर रूट तीन या वाई प्लस अंडर रूट तीन बराबर जीरो, तो वाई बराबर कितना जाएगा माइनस का अंडर रूट तीन। तो अभी किसके मान आए वाई के मान आए, क्या मान आए वाई, अब वाई का मान अब एक्स का मान ज्ञात करना है आपको, इधर देखिए वाई का मान कितना आ गया दो अंडर रूट तीन या माइनस अंडर रूट तीन, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करना है, जिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसी भी समीकरण में वाई का मान रख देना, वाई का मान आप दो अंडर रूट तीन रख देंगे फिर सॉल्व करेंगे तो एक्स के मान आ जाएंगे, मतलब वाई के दो मान आए तो एक्स के भी कितने मान आएंगे दो मान आएंगे, तो कुल मिला के उत्तर कितने हो जाएंगे चार। इसके बाद वाला आप लोग कर देना, इस ऐसे सवालों के लिए सिर्फ धैर्य चाहिए, यदि आप ऐसे कोई भी सोचे कि मुझे घर पे जाके इस सवाल को पूरा पूरा करना है आज का यही मेरा काम है, वो आराम से सवाल को कर सकता है, ठीक है। चलो।